बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल जो है वो हमने देख लिया था कि अगर आपके पास सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक और रिटर्न्स की डे बुक्स में अगर इसमें आ जाए कि जी वीकली या मंथ वीकली या फोर्टनाइटली ट्रायल बैलेंस की क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन होती है और इसकी वजह से हमें फिर अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा आफ्टर एवरी वीक और आफ्टर एवरी 15 डेज, तो हम उसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो हमने वो वाला एस्पेक्ट भी देख लिया। हम लोगों ने अभी 4 बुक्स और प्राइम एंट्रीज जो हैं वो अच्छे तरीके से देख ली हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने अभी तक सेल्स वाला जो हैंडआउट है वो अपलोड नहीं किया है ना। आई थिंक आई फॉरगॉट टू डू दैट। मुझे अभी याद आया तो मैं अभी उसको इंशाल्लाह क्लास के बाद अपलोड कर दूंगी। अब हमने कौन सा देखना है? अब हमने फोर्थ बुक देखनी है हमारी, कैश बुक वाली। ठीक है, तो अभी हमने कैश बुक पढ़ते हुए एक नया कॉन्सेप्ट, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है डिस्काउंट्स के बारे में। D7, अच्छा एक सेकेंड, हाँ जी, क्या है D7 में? D6 आ गया। और हाँ जी, अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं किया हुआ। बच्चे डिस्काउंट के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? ये सारे क्या है? परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी के सारे आइटम्स क्या हो गए? गुड्स हो गए या स्टॉक हो गया? मैम, डे बुक्स में तो सिर्फ गुड्स के लिखते हैं ना हाँ बिल्कुल, एंट्रीज, हाँ। तो ये आप ये अज्यूम करोगे तो गुड्स ही इनको। है, अच्छा यही मैं आपको कह रही हूँ। आपने अज्यूम करना है कि जो बस सुपर स्टोर है ना, अब जाहिर सी बात है बस सुपर स्टोर क्या चीजें बेचता है? सुपर स्टोर में तो मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, उनके पास दूध भी होता है, उनके पास म्यूजिक कैसेट्स भी हैं, रेडियोस भी होंगे, वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, ये सब चीजें हैं। तो वो सारी चीजें उनके लिए क्या है? उन सब वो सारी चीजें उनके लिए गुड्स हो गई, राइट? तो क्योंकि परचेजेस का टर्म इस्तेमाल किया हुआ है और नीचे इन्होंने आपको क्या मांगा हुआ है? Purchases day book मांगा है, so you have to keep it simple for yourself. आप बोलेंगे सारे goods है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे वैसे discount के बारे में बात की हुई है। discount हमने आज इंशाल्लाह पढ़ना है, तो अगर तो ये आपसे हो जाता है तो good है, अगर नहीं होता तो टेंशन ना लें, अभी हम करते हैं उसको, ठीक है? तो हम लोगों ने 4 day books कर ली है। अब हम आते हैं 5वें day book पे और 6th, चले वेरी गुड, आसान था इसलिए, राइट? और 6th day book जो जनरल जर्नल है वो भी आपको आता है, राइट? तो अभी हमारे पास जो सिर्फ 1 day book रह गई है, थोड़ा सा डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह कंसोलिडेटेड क्वेश्चन पर आएंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। मैं हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ। आपने सबसे पहले डे बुक्स बनानी है सारी, फिर आपने क्या करना है, उनमें से रेलेवेंट आइटम्स को पोस्ट करना है सब्सिडरी लेजर्स में, भले सेल्स लेजर में भले परचेज लेजर में, राइट? और फिर आपने क्या बनाना है? जनरल लेजर बनाना है, डेट डालनी है महीने की आखिरी तारीख या क्लोजिंग वाली जो भी डेट है, राइट? क्लोजिंग की डेट डालनी है। फिर आपने दोनों लेजर्स को, सब्सिडरी लेजर और जनरल लेजर को क्लोज करना है। चाहे तो पहले सब्सिडरी लेजर को क्लोज कर लें, फिर उसके बाद जनरल लेजर बनाए, उसको भी क्लोज करें, और फिर एक दफा आपने अपना चेक करना है आंसर कि आपका टोटल पेएबल्स या टोटल रिसीवेबल्स का जो कैरेट डाउन है वो क्या आपके इंडिविजुअल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के टोटल से मैच करता है या नहीं करता, ठीक है? एक दफा इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक है उसका जो बेसिक जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, ये मैं चारों डे बुक्स की बात कर रही हूँ। चारों डे बुक्स में जो हमने पहली 4 day books पढ़ी है, चारों डे बुक्स का थोड़ा बहुत ताल्लुक हो सकता है सब्सिडरी लेजर से और जनरल लेजर से, तो हर डे बुक का ताल्लुक है, राइट? हर चीज का ताल्लुक जनरल लेजर से तो है ही है। टोटल्स की पोस्टिंग जनरल लेजर में तो होगी होगी, सब्सिडरी लेजर में हमने सेल्स लेजर में लेके जाना है सिर्फ कस्टमर्स के एंट्रीज को, और उसमें भी हम उसकी डबल एंट्री नहीं करेंगे। लाइक वाइज परचेज लेजर में हम लेके जाएंगे किसके? सप्लायर्स की चीजों को, क्रेडिट सप्लायर्स जो है आपके, और उनमें हम लोग उसकी भी एंट्री, कोई डबल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर। अब हम आते हैं कैश बुक में। कैश बुक में भी हमने वही करना है, हमने कैश बुक बनानी है, फिर हमने देखना है कि किस चीज का इफेक्ट पड़ता है सब्सिडरी लेजर में, कौन सी चीज कहाँ जानी है सब्सिडरी लेजर में, और फिर हम आएंगे जनरल लेजर के ऊपर, राइट? अब कैश बुक की जब बात करें तो कैश बुक में अगर मैं,
बेसिक डिस्कशन करूं उसी तरीके से जिस तरह हम करते आए हैं, ठीक है जी, कि आपके पास ये फिफ्थ बुक आ गई, आपकी कैश बुक आ गई, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। अब हम अपनी फिफ्थ बुक पढ़ रहे हैं, कैश बुक, जिसको बैंक बुक भी कहते हैं, ठीक है। कैश बुक या बैंक बुक क्यों? क्योंकि इसमें हम हर तरह के कैश को ट्रीट कर रहे होते हैं, कैश इन हैंड को भी, कैश एट बैंक को भी। अब अभी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने आपको अच्छी खासी चीजें लिखवाई थी। इसमें आपके पास कैश रिसीट वाउचर होगा, ठीक है, कैश पेमेंट वाउचर, चेक, ठीक है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, पेटी कैश वाउचर। तो ये आपके पास सारे क्या आ गए, इसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स आ गए। और इसमें हम इस ट्रांजैक्शन, इस डे बुक के अंदर हम सारी वो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपके पास कैश हो, यानी कि चेक के बारे में बात हुई हुई हो या कैश सिंपल बात की हुई हो, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। तो आपने एक काम क्या करना है, इंशाल्लाह जब हम कंसोलिडेटेड क्वेश्चन पर आएंगे तो हमें ये देखना होगा, एक एक करके हम टेस्टिंग करेंगे, एक ट्रांजेक्शन को पिक किया और देखा इन 6 डे बुक्स में से ये कौन सी डे बुक में फॉल करता है, फिर हमने उसको उस डे बुक में रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, इसको जरा देख लें। इसमें अब ऑब्वियसली मैं, हम लोग तो अभी पहले कैश बुक को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मैंने दूसरी किस्म की ट्रांजैक्शन कोई नहीं डाली, मैंने सारी तकरीबन कुछ के अलावा, ऑब्वियसली कुछ के अलावा मैंने बाकी सारी डाली हुई है, कौन सी, कैश या बैंक से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा एक काम ये करते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मेट लिखवा देती हूँ, ठीक है, वो ज्यादा आसान है। अब जो हमारे पास कैश बुक होती है, ये जो है फर्स्ट 4 डे बुक्स के फॉर्मेट से थोड़ा डिफरेंट होती है, ठीक है। अब इसमें आपको मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स मिलेंगे, कहीं पे आपको 2 कॉलमनर फॉर्मेट भी मिलेगा, कहीं पे 3 कॉलमनर भी मिलेगा, लेकिन आईकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईकैप के एग्जाम्स में मैं कराती हूँ 2 किस्मों के सिर्फ। एक तो 2 कॉलमनर कराऊंगी, वो सिर्फ मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनेगा, ठीक है। और जो मेन हमारा फॉर्मेट फॉलो होता है वो ये होता है, आपने करना क्या है समझने के लिए, आप कैश बुक को समझें कि जिस तरह ये कैश या बैंक का टी अकाउंट है, ठीक है, लाइन से उल्टी हाथ पे जितना आपके पास जो साइड है लाइन के उल्टे हाथ पे, वो आपका कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड। लाइन के दूसरी साइड पे जो टी की लाइन है उसकी दूसरी साइड पे, राइट साइड पे जो हिस्सा है वो आपका क्रेडिट साइड है। तो जो लाइन का इधर वाला हिस्सा है उल्टे हाथ वाला, उसको आप डेबिट साइड कहते हैं, और उसमें सारी चीजें वो कौन सी होती हैं जो कि कैश को इंक्रीज करती हैं या बैंक को इंक्रीज करती हैं, तो हम उस साइड को कहेंगे। और हमने क्या बनाना है बेसिकली, अब टी अकाउंट नहीं बनाना, टी अकाउंट नहीं बनाना, हमने डेबिट साइड को अलग बनाना है, क्रेडिट साइड को अलग बनाना है, क्यों, क्योंकि कॉलम्स बहुत ज्यादा होंगे, तो हमने अपने टी अकाउंट को इन अदर वर्ड्स ब्रेक कर देना है। पहले हम बना रहे कौन सा, डेबिट साइड, इसको हम कहेंगे कैश रिसीट बुक, ठीक है, कैश रिसीट बुक पहले बनाएंगे। कैसे करेंगे, ये टाइटल आ गया इसका, चाहे तो उसको सेंटर में कर दें, ठीक है, सेंटर में कर दें, फिर आपके पास आता है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल का कॉलम, उसके बाद रिसीवेबल्स या डेटर्स का कॉलम, कैश सेल्स, अदर रिसीट्स, इसको मैं ठीक करके अभी आपके सामने बनाती हूं। ये देखें, ये आपके पास कॉलम्स हैं,
डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर अगर तो आपको क्वेश्चन में दिए हुए रेफरेंस, अगेन वही वाली बात आती है कि अगर नोट नंबर वगैरह आपको दिया हुआ है तो आपने किस तरह से करना है, हम डबल एंट्री बुक कीपिंग में कर चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा फिर, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट, उस्मान क्लास का पूछ रहे हैं, मेरे से मीटिंग आईडी उनको नहीं पता, मैं जरा उनको बता दूं। ठीक है चलें जी। तो ये आपके पास कॉलम्स आ गए, पहले आप इसको बना लें, उसके बाद फिर मैं आपको डिस्काउंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आएंगे क्वेश्चन को अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि आपके पास अगर आप डेबिट अगर टी अकाउंट के फॉर्म में बनाने बैठ जाएं तो वो जैसे बात है बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, वो आपके एक पेज पर नहीं आएगा। तो समझने के लिए मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि आपने इसको इसी तरह से ट्रीट करना जैसे ये टी अकाउंट्स है, राइट। पहला जो टी के जो लेफ्ट साइड पर है वो आपके डेबिट साइड होता है, वहां पे आपने सारी रिसीट्स दिखानी होती है, उसको आप अलग से बना दो। ठीक है, और आपके पास अब क्रेडिट है, क्रेडिट साइड जो है वो वहां पे सारी आपकी क्या आएंगी, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि आपके बैंक बैलेंस को या कैश इन हैंड के बैलेंस को कम करती हैं, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगा कैश पेमेंट्स को, राइट, कैश पेमेंट बुक, राइट। ये आपका दूसरा आ गया, इसमें भी अच्छे खासे क्या कहते हैं कॉलम्स होते हैं, राइट। अभी सिर्फ फॉर्मेट नोट कर लें, पहले आपके पास आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, ठीक है, फिर दोबारा आपके पास टोटल आएगा, लेकिन फिर आपके पास आएगा पेबल्स या क्रेडिटर्स, कैश परचेजेस, अदर पेमेंट्स और डिस्काउंट्स रिसीव्ड। ठीक है, ये बात जरा ख्याल रखिएगा, इस साइड पे डिस्काउंट रिसीट साइड पे डिस्काउंट अलाउड होती है और पेमेंट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो फॉर्मेट्स हैं, मतलब दो फॉर्मेट्स तो नहीं है, एक फॉर्मेट के दो हिस्से हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट के दो हिस्से हैं, हमेशा ये दो सेपरेटली बनेंगे, दीज आर नॉट टू सेपरेट बुक्स, ये एक ही कैश बुक का हिस्सा है। ठीक है, अभी हम एक ही चीज कर रहे हैं, दूसरा फॉर्मेट अभी तक मैंने नहीं कराया, नोट कर लिया ये मोहसिन। उस्मान आप थोड़ा लेट आए हो, आप काइंडली रिकॉर्डिंग से देख लेना इसको। ठीक है, हम अभी कैश बुक कर रहे हैं, चले जी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्काउंट्स के बारे में। अब यहाँ पे आपके लेक्चर नोट्स की बारी आती है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली भी चीजें भी हैं और आपको वो भी करना है, नोटिंग भी करनी है। डिस्काउंट्स का बेसिकली क्या मतलब है, डिस्काउंट का मतलब है अलाउंस देना, या ये भी थोड़ा टेक्निकल हो गया, डिस्काउंट्स का क्या मतलब है रियायत करना या देना, राइट, या लेना या देना, या तो आपको रियायत मिलेगी या आप किसी को रियायत दोगे, राइट। आपको रियायत कब मिलेगी, जब आप खरीदारी कर रहे होगे। आप किसी को रियायत कब दोगे, जब कोई और आपसे खरीदारी कर रहा होगा, जब आप कुछ सेल कर रहे होगे, राइट। तो ये दोनों सिनेरियोज में आपका एप्लीकेबल है डिस्काउंट्स की बात। डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है, डिस्काउंट इसी तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर जो है अपना सनसिल्क का शैम्पू, उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 120 रुपए शैम्पू की बॉटल की, और वो कितने पे उसको बेचे, 100 रुपए पे। तो ये जो 20 रुपए ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंट की टाइप्स कितनी होती हैं। डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इनवॉइस, इसके बहुत सारे नाम है, मोर कॉमन नेम्स आर दीज टू, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन इनवॉइस। ठीक है, और दूसरा आपके पास जो डिस्काउंट है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट, वेरी गुड, और ये भी है ना, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, सॉरी, प्रॉम्प्ट पेमेंट। एग्जैक्टली, ये पेमेंट पे पर्टेन करती है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उस्मान को शायद आइडिया ना होगा, वो पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं अभी। तो आपके पास और मैंने लिख दिया है कि या तो एक डिस्काउंट जो है वो बल्क डिस्काउंट होगा, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट होगा, इसको बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको
बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं, सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, या तो वो ट्रेड डिस्काउंट होगा या वो कैश डिस्काउंट होगा। अगर एक बात गौर से सुने, यूनिलिवर वाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यूनिलिवर की एक सनसिल्क की बॉटल फॉर एग्जाम्पल 120 रुपए की होती है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, लिस्ट प्राइस है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी है, 120 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल सनसिल्क की सेल्स नहीं हो रही, ठीक है, बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़े परेशान है सारे लोग कि सेल्स ही नहीं हो रही, बिक ही नहीं रहा सनसिल्क। तो पता लगता है कि जी हो सकता है आप अगर थोड़ी सी थोड़े टाइम के लिए प्राइस को कम करें, डिस्काउंट दें उसके ऊपर एक लिमिटेड पीरियड के लिए, तो शायद फिर आपकी सेल्स बढ़ जाए। तो यूनिलेवर क्या करता है, हमें नजर आता है ना वो क्रॉस हुआ हुआ होता है ओरिजिनल प्राइस महदूद मुद्दत के लिए, वो 120 को क्रॉस करके 100 लिखा हुआ होता है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो वो ये कहता है कि अब सनसिल्क की जो न्यू प्राइस है ना फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल वो है 100 रुपीज। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे ये जो 20 रुपए का डिस्काउंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्योंकि कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट का ये खास फीचर है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो ये जो आपको आपने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है, क्यों दिया है, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। उसकी नीयत क्या होती है कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, कोई अगर बहुत बड़ा कोई पार्टी आ गई आपसे खरीदने के लिए, उसको उसको रिटेन करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, इन अदर वर्ड आप क्या करो, ट्रेड डिस्काउंट दे दो उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं आपके सामने दो सिनेरियोस रखती हूँ। इस शैम्पू की बॉटल को परचेज करने के लिए दो लोग आते हैं, मतलब शैम्पू की बॉटल्स बहुत सारी हैं। मिस्टर ए भी शैम्पू की बॉटल खरीदता है कितने पे, 100 रुपए पे। अब 100 रुपए क्या पड़ेगा ना, क्योंकि 20 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। मिस्टर ए भी 100 रुपए की बॉटल खरीदते हैं और मिस्टर बी भी कितने रुपए की बॉटल खरीदते हैं, 100 रुपए की। लेकिन मिस्टर ए क्या कहते हैं, मिस्टर ए ये कहते हैं कि आई विल पे बाय कैश, और मिस्टर बी क्या कहते हैं, मेरे पास अभी 100 रुपए नहीं है, मैं यूनिलीवर को, वो बिजनेस जो है वो उसको ये बोलते हैं कि जी मैं आपसे क्रेडिट पे खरीदता हूँ और मैं आपको 30 दिन, जो भी आपकी क्रेडिट की पॉलिसी है ना, जितना भी टाइम आप अलाउ करते हैं क्रेडिट की सेल्स के ऊपर आप मुझे अलाउ कर दें। यूनिलीवर कहेगा ठीक है, यूनिलीवर गिव्स परमिशन, बिजनेस जो है वो उसका पॉलिसी है कि वो क्रेडिट पे भी सेल करेगा, कैश पे भी सेल करता है, राइट। अब यूनिलीवर ने क्या किया, 120 रुपए की बॉटल के ऊपर 20 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट रखा और दोनों को, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को सेल कर दी वो शैम्पू की बॉटल्स। क्लियर है दादा, कितने रुपए की सेल की, 100 रुपीज की। मिस्टर ए ने 100 रुपए फौरन से कैश में दे दिए बिजनेस को, बिजनेस ने रिसीव कर लिए फौरन से मिस्टर ए से कैश, और मिस्टर बी से अभी तक उसको 100 रुपए नहीं मिले। इधर ये वाला सिनेरियो क्लियर है, ठीक है, ये वाला सिनेरियो क्लियर है उस्मान और मोहसिन, ठीक है। अब बारी क्या आती है, अब जो बिजनेस है, जो यूनिलीवर है, देखिए जब आप किसी को कोई उधार पे सेल करते हो ना, उधार पे कोई चीज बेचते हो, तो आपका बहुत बड़ा रिस्क उसमें पड़ा हुआ होता है। आपको तो जल्दी रहेगी, आप तो कोशिश करेंगे कि सामने वाली पार्टी जल्द अज जल्द आपको पेमेंट कर दे, है ना, जाहिर सी बात है। ये ना हो कि वो लेके भाग जाए, ये ना हो कि वो आए ना पैसे देने के लिए, ये ना हो कि वो एक्सक्यूजेस ही करता रहे और वो लटकाता ही रहे, राइट। इतने ढेर सारे रिस्क है, आपका पैसा है, आपका पैसा उसके पास क्या हुआ है, ब्लॉक होके रहा हुआ है, राइट। आपको चाहिए कि आपको, आपका तो दिल करेगा कि जल्द से जल्द आपको पैसे मिले। तो आप उस सिनेरियो में, अब देखिए इंटेंशन पे, नीयत पे जरा डिफरेंस नो और करें। ट्रेड डिस्काउंट की नीयत क्या होती है, लोगों को अट्रैक्ट करना, ठीक है, मेजर जो नियत होती है, मेन जो नियत होती है उसकी होती है कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, अब आपने ऐसा कुछ करना है कि मिस्टर बी जो है वो जल्द से जल्द पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए और वो आ जाए। क्या मतलब है, बिजनेस जो है वो मिस्टर बी को बताता है कि वैसे तो क्रेडिट पीरियड कितना है, क्रेडिट पीरियड से मुराद क्या है, बिजनेस ये बता रहा है कि वैसे मैं 30 दिन का उधार देता हूँ, राइट, जो भी बंदा है, ओनर जो है या अकाउंटेंट जो है, जो भी पॉलिसी बता रहा है, मैनेजमेंट का जो बंदा है, वो ये कह रहा है कि जी हमारी पॉलिसी है कि हम 30 दिन का उधार देते हैं, जैसे ही 31 डेज अगर हो गए और आप पेमेंट नहीं लेकर आए तो हम आपके खिलाफ क्या कर लेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, बिजनेस ये बता रहा है कि आपके पास 30 दिन है,
आप आज के दिन से शुरू होके अगले 30 दिन के अंदर कभी भी आके हमें पेमेंट करके चले जाए। इतनी बात समझ आ रही है? अब बिजनेस को अगेन वही मसला है, वो कोशिश करेगा कि 30 दिन के अंदर, क्या मैं तो कोशिश करूंगा कि क्या अगले दिन ही मुझे पेमेंट रिसीव हो जाए, मिस्टर बी अगले दिन ही आ जाए कैश लेके कि ये ले जी। तो अब वो क्या करेगा, मिस्टर बी को जल्द अज जल्द इनकार पेमेंट करने का इनकरेज करने के लिए एक अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट ऑफर करेगा, और वो ये कहेगा कि वैसे तो आपके पास 30 दिन है पे करने के लिए, क्या मतलब है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट में, वो ये कह रहा है इफ यू पे विद इन द नेक्स्ट 10 डेज यू विल गेट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। क्या मतलब हुआ, उसने मिस्टर बी को कहा आपके पास 30 दिन है, आप पेमेंट कभी भी आके कर सकते हो, लेकिन अगर आप अगले 10 दिनों में आके पेमेंट कर देते हो ना तो मैं आपको फर्दर डिस्काउंट दूंगा 5% का। ठीक है, यानी कि फिर आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर बी 2 दिन के बाद आ जाते हैं पैसे लेके, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर बी से हमें कितने पैसे लेने हैं, 100 रुपए, 120 रुपए तो बस गए ना, वो तो खत्म हो गया, वो तो ट्रेड डिस्काउंट में वो तो हमने चीज खत्म कर दी, राइट। 120 रुपए को तो अभी हमने टच ही नहीं करना, हमने मिस्टर बी को चीज सेल की थी कितने की, 100 रुपए की, और अभी हमें 100 रुपए मिस्टर बी से लेने हैं। लेकिन अगर वो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाते हैं तो मिस्टर बी को कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 5 रुपए का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, यानी के अब मिस्टर बी जो हमें पेमेंट करेंगे वो कितने की करेंगे, 95 रुपीज की। बात समझ में आ रही है? और अगर वो 10 दिन गुजर जाते हैं और वो 10 दिनों में नहीं आते, वो आते हैं फॉर एग्जाम्पल 12वें दिन पेमेंट ले कैश लेकर आते हैं, तो उनको वही 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इफ नहीं, ये डिपेंड करता है, ये आपकी ये जनरल आप पॉलिसी भी कर सकते हो, ये बचे क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी हो सकता है, और ये आप हर कस्टमर को भी बता सकते हैं कि जी जो जो मेरे से क्रेडिट पे खरीदेगा उसको इतने का कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट मिल सकता है अगर वो इतने दिनों में पेमेंट लेकर आ जाए। ठीक है, जी उस्मान, क्लियर है? इफ मिस्टर बी कम्स टू पे विद इन 10 डेज तो ही विल हैव टू पे ओनली 95 रुपीज, और इफ मिस्टर बी comes to pay after 10 days, उनको in any case 30 days से पहले पहले ही आना है। ठीक है, अगर वो 10 days के बाद लेकिन 30 days से पहले आते हैं तो Mr. B will clear है बात उस्मान, बच्चे clear है आपको? तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कुछ और है और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो अगर मैं आपको एक बात ये कहूं, ट्रेड डिस्काउंट देते हुए ट्रेड डिस्काउंट आपने दोनों टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को दिया था, कैश कस्टमर को भी क्रेडिट कस्टमर को भी, लेकिन कैश डिस्काउंट किसके लिए रेलिवेंट है, सिर्फ क्रेडिट कस्टमर के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी वो एम ही, वो टारगेट ही किसको करता है, ऐसे लोगों को जिसने अभी तक पैसे नहीं दिए। मिस्टर ए ने फौरन से ही पहले दिन ही क्या कर दिया, जिस टाइम पे उन्होंने खरीदा उसी टाइम उन्होंने हमें कैश पकड़ा दिया, अभी हमें मिस्टर ए का कोई हिसाब किताब रखना ही नहीं है, हमें अभी मिस्टर ए को क्या इंकरेज करना है कि वो जल्द अज जल्द पेमेंट करें, नहीं वो पेमेंट कर चुके फौरन से, राइट। तो अभी ये जो कैश डिस्काउंट है ये इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो बात समझ में आ रही है, ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर बोथ सिनेरियोस, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, लेकिन कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ये वाला इट इज ओनली फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर मोहसिन एंड उस्मान? अब मैं आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट खोलती हूँ, उसको हम जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी मैं इंशाल्लाह अभी अपलोड कर दूंगी। अच्छा,
ये मैंने एक पेपर बनाया हुआ है डिस्काउंट्स के लिए, ठीक है? इसमें थ्योरी भी है और अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी अब अकाउंटिंग किस तरह से होती है, ठीक है? सिर्फ कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग करनी है, बिल्कुल ठीक। आप अभी देखो, अभी आप देखोगे ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में कहीं आएगा ही नहीं। जो 20 रुपए है ना, 20 रुपए कहीं पे आएगा ही नहीं। हमने सारा का सारा काम शुरू ही कितने से करना है, 100 रुपए से करना है। 120 को हमने टोटली इग्नोर कर देना है, 20 को टोटली इग्नोर कर देना है। तो काम ही हमने शुरू करना है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर से। और कैश डिस्काउंट जो है, जो हम बाद में दे रहे हैं 5 6 7 दिन के बाद जब वो आएगा पेमेंट लेके, तो कैश डिस्काउंट की बुक्स में प्रेजेंस होगी, ठीक है? अभी हम देखते हैं उसको। जो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया है कैश बुक का, किधर गया? ऊपर है। जो ऊपर मैंने फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे जो ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्या है? ये कैश डिस्काउंट है। ये अर्ली पेमेंट डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो कहीं पे भी हमने ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम नहीं डाला हुआ और वो आएगा भी नहीं बुक्स में। ये बात अभी मैं समझाती हूँ, राइट? अच्छा जी, डिस्काउंट्स पर आ जाए। ये तो आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है, बिल्कुल वही बात है। अलाउंस और रिडक्शन मेड बाय द सेलर ऑन द ओरिजिनल पब्लिश प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द लिस्ट प्राइस एंड इज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इंस्टेड नेट अमाउंट ऑफ सेल्स और परचेजेस आर अकाउंटेड फॉर। मैंने ये बात बोली, डिस्काउंट आपको मिल भी सकता है, डिस्काउंट आप दे भी सकते हो, राइट? आपको मिलेगा परचेजेस के टाइम पे, आप दोगे सेल्स के टाइम पे। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। और मैंने इसको लिख दिया, दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पर आ जाए, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर सी हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। यानी कि ये फिगर अभी भी क्या है, दिस हैज टू फेस अ ट्रेड डिस्काउंट। तो ये लिस्ट प्राइस है आपकी, ओरिजिनल प्राइस है, आपने इसका इसके ऊपर 2% अप्लाई किया, आंसर आपके पास आया 200 रुपए। तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस कितनी मिली? आपने परचेज की थी गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी, राइट? बिजनेस ने परचेज किया था, तो कितने का उसको पड़ा? 9,800 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी जब हमने डबल एंट्री करनी है, हमने गुड्स खरीदे हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेजेस को डेबिट होना है, राइट? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑन कैश। तो ये बात याद रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट के होने का मतलब ये नहीं है कि जी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नहीं, वो सिर्फ कैश डिस्काउंट में अप्लाई होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपके कैश पे भी हो सकती है, क्रेडिट पे भी हो सकती है। तो आपको फर्दर गिवन होगा कि ऑन कैश है, ऑन क्रेडिट है। तो आपने परचेजेस को डेबिट करना है कितने से? डिस्काउंटेड फिगर से। जो लिस्ट प्राइस थी 10,000 रुपए की, और जो 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला अलग से, वो कहीं पे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। आपने डायरेक्टली क्या किया? पहली दफा जो एंट्री की, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में भी देखेंगे कौन सी है, कैश बुक में आएगा, और कैश बुक में भी आप इसको किस पे लिखोगे? 9,800 दिखाओगे कि मैंने परचेज की कैश पे। ये मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है? अगर ये ऑन क्रेडिट होता तो कैश के बजाय हम किसको क्रेडिट कर देते हैं? मिस्टर सी को क्रेडिट कर देते हैं। और ये फिर कौन सी डे बुक में चला जाता? परचेज डे बुक में आप पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसको कितने पे रिकॉर्ड करते हैं? सीधा सीधा 9,800 पे, ठीक है? ये बात क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट में आपने इस चीज को ख्याल रखना है, माइनस करके फिर आपने एंट्रीज पास करनी है, फिर आपने रिकॉर्डिंग करनी है। फिर आप इधर ही मैंने वो कर दिया है, सेल्स के ऊपर बता दिया है, गुड्स सोल्ड, गुड्स हैविंग अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर सलीम। ऑन क्रेडिट है तो ये कौन सी डे बुक का ट्रांजैक्शन है? सेल्स डे बुक का, क्रेडिट सेल्स है, राइट? अब हमने ये देखना है कि हमने डेट डालनी है आज की, आज की पर्टिकुलर्स में मिस्टर सलीम लिखना है। अब आगे रुपीज के कॉलम में क्या अमाउंट डालेंगे? तो 20,000 को भी इसी तरह क्या करना है, पहले इसके ऊपर 4% जो उसका डिस्काउंट है, 800 रुपए बनता है, 20,000 में से 800 रुपए माइनस करना है, 19,200 से आपको सारी रिकॉर्डिंग और सारी पोस्टिंग करनी है, ठीक है? तो जो आप सेल्स डे बुक में लिखोगे डेट मिस्टर सलीम और आगे 19,200, ये 20,000 कहीं नहीं लिखना, 800 रुपए कहीं नहीं लिखना, पहले ये डिडक्ट करना है, कैलकुलेशन करनी है, माइनस करके 19,200 से आपने क्या कर दिया? अब डबल एंट्री जनरल लेजर में क्या पास होगी? अकाउंट्स रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, राइट? या टोटल रिसीवेबल अकाउंट, इन अदर वर्ड्स डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक? जी क्लियर है उस्मान, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चे?
ठीक है उस्मान, आपको भी चले जबरदस्त। अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम हो ना मुझे बता देना, सही है? थोड़ा सा भी मसला हो, शुरू शुरू में हो सकता है पहली दफा अगर आप पढ़ रहे तो प्रॉब्लम होगा। अब आगे आते हैं हम कैश डिस्काउंट पे, और मैंने इसमें क्या लिख दिया, इट इज अलाउड टू इनकरेज अ डेटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो वाला कस्टमर होता है जिसने आपसे क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन की हो, ये खास उसका नाम है। कस्टमर का टर्म दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा बंदा ऐसा इंसान जिसने आपसे कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा वो कस्टमर कहलाता है। अब कस्टमर की खास जो क्रेडिट जिसने आपसे क्रेडिट पे खरीदा है उसको आप रिसीवेबल कहते हो या डेटर कहते हो, और जिसने आपसे कैश पे खरीदा उसको आप कैश कस्टमर कहते हो, राइट? तो ये जो टर्म है डेटर का, इसका अब एक खास मीनिंग आ गया। इट इज अलाउड टू इनकरेज अ डेटर टू पे ऑफ हिज डेट अर्ली। इफ द डेटर पेज हिज अकाउंट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ रिडक्शन इन हिज बिल। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इसकी रिकॉर्डिंग होगी, किस तरह होगी देख लेते हैं। हमने परचेज किया गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 15,000, सेटलमेंट टर्म्स बीइंग 3/10, सेटलमेंट टर्म्स बीइंग 3/10 एंड बाय 30। ये एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू कैश डिस्काउंट को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो अगर इस तरह से लिखा हो तो इसका क्या मतलब है? आपको अगर नजर आ रहा हो ये इसी तरह लिखा होता है, 3/10 समथिंग बाय समथिंग कॉमा एन बाय समथिंग, ठीक है? एन जो है ना ये स्टैंडर्ड है, ये आपको हर इस तरह के फॉर्मेट में सेकेंड फ्रैक्शन में नजर आएगा। मैं इसको दो फ्रैक्शन कहती हूँ, है ना? फ्रैक्शन ही है ना। अब इसका क्या मतलब है, पहले हम दूसरे हिस्से में आते हैं, कॉमा के इधर एन के नीचे, एन के जो डिनोमिनेटर है इसमें जो फिगर लिखी हुई होती है दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल क्रेडिट पीरियड। क्या मतलब हुआ कि आपने मिस्टर सी से क्रेडिट पे खरीदा था, बिजनेस ने खरीदा था, और मिस्टर सी ने उसको ये बोल दिया कि आपके पास टोटल 30 डेज है पे करने के लिए। ये क्या होगा, नेट क्रेडिट पीरियड है 30, एन से मुराद 30 कर दे, ठीक है? एन से मुराद नेट कर दे, नेट पीरियड है आपके पास 30, ठीक है? अब आए फ्रैक्शन, पहले वाले फ्रैक्शन पे, और मिस्टर सी साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि इफ यू पे विद इन 10 डेज। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी डेज को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन ये कौन से डेज होते थे, टोटल क्रेडिट पीरियड होता था इन डेज, राइट? ये भी आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर पहले फ्रैक्शन का, ये भी डेज को रिप्रेजेंट करता है, दिनों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब ये क्या है, मिस्टर सी ये कह रहे हैं अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पे करेंगे तो आपको 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ये अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करती है, परसेंटेज। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है, डेज। और ये कौन से डेज हैं, ये वो डेज हैं कि जिसके अंदर अगर मिस्टर सी आके पे करेंगे तो उनको इतने का परसेंट मिलता है। तो हम ये चीज लिखते नहीं है, हम इसको लेबल नहीं करते हैं, ये चीज अब आपकी अंडरस्टूडी होती है। इसको जरा गौर से देख लें, इट मीन्स दैट द टोटल टाइम अलाउड फॉर पेमेंट फॉर द गुड्स इज 30, एंड इफ द बिजनेस पेज इट्स सप्लायर मिस्टर सी विद इन 10 डेज इट विल रिसीव अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। इज दैट क्लियर? ये वाला समझ में आ गई बात, स्टैंडर्ड समझ में आ गया फॉर्मेट। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को, एन क्या है, एन एन का मतलब है नेट, एन का मतलब है नेट, नेट 30 डेज, और नेट से मुराद टोटल 30 डेज, ठीक है? अच्छा, अब नीचे आ जाए तो आपके पास क्या सिचुएशन है कि मिस्टर सी ने कोई चीज खरीदी, उनको पैसे देने कितने, 15,000 के, डे वन पे जब आपने सेल किया, ठीक है, तो मिस्टर सी को नहीं पता, हमने मिस्टर सी से खरीदा, सॉरी, हमने मिस्टर सी को पैसे देने हैं, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, मेरे ख्याल से हाँ ठीक है। अब जरा इसको इधर आते हैं, इधर आते हैं, मैं इसको एंट्रीज के साथ साथ समझाती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हमने मिस्टर सी से खरीदा था 1 जनवरी को, लेट्स अज्यूम, ठीक है? तो 1 जनवरी को हम ये लिखेंगे कि जी ट्रांजैक्शन आपके पास ये थी, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी ये सिचुएशन था। अब ये क्या हुआ, ये हुआ 1 जनवरी को आपने एक ट्रांजैक्शन की, और वो क्या ट्रांजैक्शन की कि आपने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, ठीक है? ₹15,000 ट्रांजैक्शन है। 1 जनवरी को हम क्या करेंगे, हमने इसको रिकॉर्ड कर देना है किधर, परचेजेस डे बुक में, है ना? क्रेडिट परचेजेस है, परचेजेस डे बुक में हमें रिकॉर्ड कर देना है। सिंपल अगर मैं डबल एंट्रीज की बात करूं तो क्या डबल एंट्री, मतलब क्या सिनेरियो है, परचेजेस हमारा डेबिट हो रहा है और पेबल हमारा क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 15,000 से। ये सिंपल, अभी मैं उस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज वाले सिस्टम में नहीं हूँ, सिंपल डबल एंट्री की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो सिंपल डबल एंट्री ये हो गई कि 1 जनवरी को परचेजेस मैंने डेबिट कर दिया पूरे 15,000 से और पेबल मैंने क्रिएट कर दिया पूरे 15,000 से। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी को मुझे नहीं पता कि मैं अगले 10 दिन के अंदर जाके मिस्टर सी को पेमेंट कर दूंगी या नहीं करूंगी, ये तो आज के दिन की बात हो रही है। ये क्लियर है बात, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पूरे 15,000 से परचेजेस को डेबिट करके पेबल को क्रिएट कर दिया और आपने कहा कि मुझे 15,000 की लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, राइट? लेकिन अगर मैंने ये पे कर दिया जल्दी तो मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल 5 जनवरी को हम मिस्टर सी के पास पहुंच जाते हैं, विद इन 10 डेज है, बिल्कुल है। तो मिस्टर सी मुझे क्या कहेंगे, मिस्टर सी हमें कहते हैं कि आपने यू हैव क्वालिफाइड फॉर कैश डिस्काउंट, तो अब आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा? आप कैलकुलेशन करोगे, 15,000 वाज द ओरिजिनल अमाउंट, 3% क्या था पॉलिसी के हिसाब से था, तो ₹450 मुझे डिस्काउंट मिला, यानी के मैंने 15,000 में से 450 माइनस करके 14,550 की पेमेंट करनी है। ये बात समझ आ गई, यानी के आपने कैश को क्रेडिट करना है कितने से, 14,550 से। जी उस्मान, ये बात समझ आ गई, 450 डिस्काउंट बनता था कि वैल्यू बनती थी, तो नेट पेमेंट आपने अब कितनी करनी है, 14,550 की। 15,000 ओरिजिनल अमाउंट थी और अब आपने 14,550 की पेमेंट करनी है। जब हम लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे होते हैं तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, कैश या बैंक क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी को हम करते हैं डेबिट, राइट? खत्म करते हैं। अब अगर हम फिगर्स, इसको डबल एंट्री को बैलेंस करने के लिए, हमें पता है डबल एंट्री को बैलेंस करना होता है, अगर हम पेबल को डेबिट करें 14,550 से, मिस्टर सी को हमने क्रेडिट किया था 15,000 से और डेबिट हम कर रहे हैं कितने से, 14,550 से, अभी भी पेबल अकाउंट में 450 का बैलेंस रह जाएगा। फिर आपने क्या करना होता है, अगर आपने मिस्टर सी के नाम की लायबिलिटी खड़ी की हुई है, यहाँ पे पेबल की जगह अगर मिस्टर सी हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मिस्टर सी, तो हमने जनवरी 1 को क्या कहा कि हमने मिस्टर सी को पे करने हैं ₹15,000, और 5 जनवरी को अगर आप डेबिट कर देते हैं मिस्टर सी को कितने से, 14,550 से, तो यहाँ पे अब एक गड़बड़ हो रही है। और वो क्या गड़बड़ हो रही है, वो ये गड़बड़ हो रही है कि आज के दिन हमारा मिस्टर सी के साथ सारा हिसाब किताब हो रहा है खत्म। हम तो पैसे लेके पहुंच गए और उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया और आज के बाद हमें कोई पैसा नहीं देना मिस्टर सी को, 450 का उन्होंने हमें खुद डिस्काउंट दे दिया, अलाउंस दे दिया, रिडक्शन दे दी बिल के अंदर, राइट? तो अगर हम इससे डबल एंट्री पास करते हैं, मिस्टर सी को हम अगर कम अमाउंट से डेबिट कर रहे हैं, ₹15,000 से वो क्रेडिट किया हुआ था, आपको करना क्या है, आपने इस लायबिलिटी को पूरे 100% अपनी बुक्स में से खत्म करना है, रिड्यूस करना है। ये बात समझ आ रही है उस्मान, 15,000 की आपने रेस की थी और आप रिड्यूस कर रहे हो 14,550, यानी कि 450 अब आपके पास पड़ा हुआ है। अभी भी क्या होगा, आप ये कहोगे कि अभी भी मुझे 450 पे करने हैं मिस्टर सी को, नहीं तो 450 का तो उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया, वो तो आपको कभी भी नहीं पे करने हैं। आप तो इसका क्या मतलब हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने से लाइबिलिटी को रेस किया था उतने से ही हमें लाइबिलिटी को डेबिट भी करना है। यहां तक क्लियर है उस्मान और मोहसिन जी? क्लियर है यहां तक? हाँ, तो अब क्या होगा? अब जब हम देखते हैं कैश तो क्रेडिट होना है 14,550 से, ये तो 15,000 से क्रेडिट नहीं होगा, राइट? डेबिट आपके पास हो रहा है 15,000, डबल एंट्री आपकी बैलेंस नहीं हुई हुई। तो अब आप क्या करेंगे? कहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है? 450 का शॉर्टफॉल आ रहा है किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। और इसको हम क्या कहेंगे? नहीं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये देखो क्रेडिट हो रहा है ना, आपको पेमेंट करनी थी, आपको ये डिस्काउंट मिला, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये क्रेडिट आएगा होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका होता है इनकम, आपने पेमेंट की थी, आपको पैसे देने थे। तो हमने ये देखा कि ट्रेड डिस्काउंट में तो ऐसे कोई नहीं डबल एंट्री पास हो रही, ट्रेड डिस्काउंट में तो हम सीधा सीधा परचेजेस डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट कर रहे थे, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है? यहाँ पे क्योंकि हमने इस ट्रांजैक्शन को पहले भी कहीं कभी रिकॉर्ड किया था, इस वजह से अब डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड ऑटोमेटिकली आपकी बुक्स में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इधर मैंने सिर्फ यहाँ पे इसकी सेकंड पार्ट कर दिया कि इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 days ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो क्या होगा? पेबल, टोटल पेबल अकाउंट, पेबल कंट्रोल अकाउंट, इन अदर वर्ड्स जनरल लेजर में हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 15,000 से, डिस्काउंट रिसीव 450 क्रेडिट या और कैश या बैंक 14,550 क्रेडिट, ठीक है? और अगर पेमेंट 10 दिन के बाद हम करते हैं तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पूरे 15,000 से हमने पेबल अकाउंट को करना है डेबिट और कैश या बैंक पूरे 15,000 से क्रेडिट होगा। सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें फिर आपको पेमेंट जो है पूरे 15,000 की करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब आप ये करें कि मैं अपलोड करूंगी, इसकी सेकंड एग्जांपल भी देख लीजिएगा, ठीक है? सेकंड एग्जांपल भी आपने देख लेनी है कि अगर सेल्स हो रही है ऑन क्रेडिट टू मिस्टर एक्स तो फिर हम क्या करेंगे। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अगर सेल्स हो रही है तो हम क्या करेंगे उस सिनेरियो में? अब वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो अब वो आपका एक्सपेंस बन गया, ठीक है जी? सही है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस। ठीक है, आपके पास ठीक है, ये हो गया काम। अब हम आते हैं जरा क्वेश्चन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ यूं होगा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन टू द कैश बुक। 5 जुलाई 2015 की आपको ट्रांजेक्शन दी हुई हैं। अच्छा, स्क्रीन स्टैटिक तो नहीं है ना? सही आ रही है ना स्क्रीन आप लोगों के पास? मतलब बिल्कुल फ्लो में चल रहा है सारा, ठीक है? तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है? अब आपको ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जुलाई 5, 2015, जुलाई 1, आपको 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। वैसे तो ये चीज हमें इंशाल्लाह कंट्रोल अकाउंट्स में जो अगला चैप्टर है उसमें मैंने आपको कराना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन के बारे में। हमने कैरेट डाउन को तो सीख लिया लेकिन ब्रॉड डाउन के बारे में हमने डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगी क्या है ओपनिंग बैलेंस से क्या मुराद है। ओपनिंग बैलेंस से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जुलाई से पहले महीना जो था जून का, उसके आखिर में यानी कि जून 30 का जो कैरेट डाउन बैलेंस था, यानी कि बैंक में जून 30 को जो बैलेंस पड़ा हुआ था वो कितना था? 2 लाख रुपए। तो ये जुलाई के महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस,
यानी कि जून का क्लोजिंग बैलेंस 30 जून का बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारा बन गया 1 जुलाई को हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया। हम ये कह रहे हैं कि पहले से पिछले साल पिछले महीने से बेसिकली ये बैंक बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, आपके पास ये पहले से पड़े हुए थे 2 लाख रुपए। तो दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। अब ट्रांजैक्शन के बारे में आती बात करते हैं। 3 जुलाई को क्या हो रहा है, ओनर इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट ₹60,000। तो ये बात याद रखें, जहां पे भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस वाला सिनेरियो आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस इस महीने शुरू नहीं हुआ था, ये बिजनेस पहले से चला आ रहा है, राइट, पहले का आपका स्टार्ट हुआ है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जी ओनर ने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस के बैंक अकाउंट में 60,000 रुपीज। आपने देखा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी डे बुक में आएगा, कैश बुक में, राइट। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, यहाँ पे चेक इन्वॉल्व हो रहा है, कैश एट बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी आपका कैश बुक का पार्ट है। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो ये आपका इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगी। कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी है उस्मान, ये कौन सी डे बुक में रिकॉर्ड होगी? हाँ जी, परचेजेस डे बुक, राइट, परचेजेस डे बुक में रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा परचेजेस ऑन क्रेडिट है, राइट। अगर ये कैश परचेजेस होता या चेक के थ्रू आपने परचेज किया होता तो फिर ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते, तो हमने इसको फॉर द पर्पस ऑफ कैश बुक हम इसको टोटली इग्नोर कर देंगे, राइट। फिर आपके पास क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नसीर जी, मोहसिन, ठीक है ना, क्लियर है बात? ठीक है, फिर आपके पास आता है सोल्ड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नसीर, तो ये भी आपके पास क्या सिचुएशन है, ये भी आपके पास क्रेडिट सेल्स है, ये आपकी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होंगी, ये सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होंगी, राइट। और उन्होंने आगे क्या बता दिया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नसीर सेटलमेंट टर्म्स बीइंग 3/10 एंड बाय 30, राइट। क्या मतलब हुआ, टोटल क्रेडिट पीरियड 30 डेज अलाउड है, अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर पे कर देते हैं तो 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, राइट। फिर आपके पास आ गया परचेज फर्नीचर अगेंस्ट द चेक पेमेंट ऑफ ₹45,000, चेक इन्वॉल्व हो रहा है, पेमेंट इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि कैश बुक, राइट। पेड कमीशन टू द एजेंट, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ नहीं है कि चेक पेमेंट हुई हुई है, कोई बात नहीं, पेड का टर्म इस्तेमाल हुआ है, यानी कि आपने कैश को यूज किया, कैश कौन से वाला, ये वाली अभी बात आ जाती है कि भाई कैश इन हैंड के थ्रू किया है या कैश एट बैंक के थ्रू किया है, तो इसमें सारी ट्रांजेक्शन किसकी है, बैंक की गिवन है, तो आप उसको कहोगे कि ये भी कैश एट बैंक को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो कैश बुक इन्वॉल्व होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट सब्जेक्ट टू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% अपॉन पेमेंट विद इन 20 डेज, तो इस डेट पे क्या होगा, इमरान ने क्रेडिट पे खरीदा तो ये इमरान से हमने क्रेडिट पे खरीदा तो ये परचेजेस डे बुक में आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा। नसीर पेड हिज अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग सेटलमेंट डिस्काउंट, तो अब हमें क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, नसीर हमें कैश पे कर रहा है, नसीर ने हमारे से 12 जुलाई को चीजें खरीदी थी क्रेडिट पे और आज के दिन वो हमें पे कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग सेटलमेंट डिस्काउंट, राइट। देखते हैं इसको, पेड इमरान अकाउंट इन फुल, अब हम इमरान का अकाउंट इन फुल पे कर रहे हैं और इमरान से हमने चीजें खरीदी थी 17 जुलाई को, तो ये वाली ट्रांजैक्शन अब इस डेट पे कब रिकॉर्ड, कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। और आखिर में आपके पास आ रहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमीन अगेंस्ट द चेक पेमेंट ऑफ 10,000, चेक पेमेंट है तो आज इसके ये वाला इस वाले दिन भी ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। तो अब हम एक एक करके जल्दी से इसको करने की कोशिश करते हैं, रिसीट बुक को आज देख लेते हैं, रिसीट साइड को, ठीक है, या जितने भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं हम करते हैं, राइट। चले इधर आ जाते हैं, ठीक है, ये हमने किया, एक एक करके हम क्या करेंगे, इधर ही आप चाहें, आपको तो खैर बनाना पड़ेगा फॉर्मेट दोबारा से, पहले आप कैश
अच्छा, इसमें अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे आप? या तो ये कर सकते हैं कि आप एक पूरे अपने रजिस्टर के पेज को दो हाफ्स में डिवाइड कर दें, मतलब ऊपर वाले हिस्से में आप बना लें कैश रिसीट बुक और ढेर सारी लाइनें छोड़ दें, ट्रांजैक्शंस आप देख रहे हैं कितनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, तो मेरे ख्याल से कैश रिसीट बुक बनाएं, उसके टाइटल्स हेडिंग्स वगैरह डालें और 10 लाइनें भी छोड़ देंगे या 8 लाइनें भी छोड़ देंगे तो काफी होगा, ठीक है। और फिर आप कैश पेमेंट बुक की हेडिंग डालें, उसकी हेडिंग्स डालें और उसमें भी आप 8 10 लाइनें छोड़ दें, ठीक है, लाइनें छोड़ छोड़ के बनाएं। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी साइड पे आएगा, कैश पेमेंट साइड पर आएगा, कैश रिसीट साइड पर आएगा, किस कॉलम में उसको लिखना है और किस तरह से, ठीक है। आर यू रेडी? बना लिया जल्दी से फॉर्मेट, जल्दी करें, 10:45 तक इंशाल्लाह क्लास को रखते हैं उसके बाद, ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए, राइट, ठीक है जी, जल्दी से ये फॉर्मेट बना लें, 8 8 लाइनें छोड़ दें दोनों, उसमें दोनों बुक्स के लिए, दोनों साइड्स के लिए। वाउचर का कॉलम, क्वेश्चन में वाउचर नहीं गिवन तो वाउचर का कॉलम ओमिट कर दें, वाउचर का कॉलम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जगह सेव करें अपनी। तो मैं यहाँ पे भी ये काम करती हूँ, वाउचर का कॉलम ये मैंने खत्म कर दिया, बस सिर्फ वाउचर का कॉलम खत्म होगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं, सबसे पहला आइटम क्या आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस ₹2 लाख, तो यहाँ पे मैं 2015 भी लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार ये रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, तो मैंने ये 2015 भी लिख लिया। सबसे पहला आइटम आपके पास है ओपनिंग बैलेंस बैंक ₹2 लाख, आपने इसको सिर्फ अभी जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस कैश बुक, ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवाऊंगी अगले चैप्टर में, आपने इस बैलेंस को कैश रिसीट बुक में लिखना है 1 जुलाई, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस और इसको आपने लिख देना है टोटल के कॉलम में, ठीक है, ये बस दैट्स इट, एक इसी कॉलम में आपका ये आएगा, ठीक है, आपने इसको लिख दिया टोटल के कॉलम में। मैं काम ये करती हूँ, पूरा टेबल बना लेती हूँ ताकि मुश्किल ना हो, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, टोटल के कॉलम में लिख दिया ओपनिंग बैलेंस को, ये बात इंशाल्लाह क्लियर आपको हो जाएगी जब हम अगला चैप्टर करेंगे, राइट, चलो जी, ठीक है, ये काम हो गया, दैट्स इट, ना इसको आपने किसी और कॉलम में नहीं लिखना, सिर्फ टोटल के कॉलम में उठा के लिख दिया। अब July 3 आया, ओनर इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल इन टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ₹60,000, ये बात तो हमने डिटर्मिन कर ली कि इसमें कैश है, बैंक इन्वॉल्व है, राइट, लेकिन अब ये सवाल आता है कि ये कौन सी साइड पर आएगा, रिसीट साइड पर आएगा या पेमेंट साइड पर आएगा, राइट, तो आपके पास क्या है, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के बैंक अकाउंट में, पैसा डाल रहा है, ये हो गया आपका क्या, रिसीट हो गया, है ना, क्या बिजनेस जो है वो कैश को रिसीव कर रहा है अपने बैंक अकाउंट में, राइट, तो अब इतनी बात आपने डिटरमिन कर ली कि कैश रिसीट बुक में ही लिखा जाएगा 3 जुलाई, पर्टिकुलर्स में लिख देंगे कैपिटल, ये डबल एंट्रीज नहीं पोस्ट कर रहे हैं हम, डबल एंट्रीज नहीं पास कर रहे, अभी हम रिकॉर्डिंग के स्टेज पर हैं, लेकिन पर्टिकुलर्स में हमने कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, राइट, अब इसको आप कहाँ लिखोगे, अभी आप इसको टोटल के कॉलम में नहीं लिखो, आप इसको कहाँ लिखो, अदर रिसीट्स में, आपने देखे 4 कॉलम्स अपने बनाए हुए हैं टोटल के अलावा, रिसीवेबल्स है, कैश सेल्स है, अदर रिसीट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, तो ये जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है ये आपको रिसीवेबल से, तो हम ये नहीं कहते कि हमें रिसीवेबल से पैसे मिले, ना ही ये कैश सेल है, तो ये क्या है, ये अदर रिसीट्स में क्वालिफाई करता है एज एन अदर रिसीट, और 60,000 को आपने इस कॉलम में लिख दिया। अब एक काम ही करें, अपने पास जरा टोटल के कॉलम में कुछ इस तरह से लिख दें, अच्छा ये इसको ए कह दें, अभी लिखते हैं लिखते हैं, लिखना है टोटल में अभी लिखना है, लेकिन आप अब ये पहले समझ लें, इसके बाद टोटल में लिख के कॉलम में लिखना है, इस तरह से ना अपने 4 कॉलम्स को टोटल के अलावा
जो चारों कॉलम्स है स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीवेबल्स, इसको इस तरह से आप लेबल कर दें, रिसीवेबल्स ए है, कैश सेल्स बी है, अदर रिसीट सी है और डिस्काउंट अलाउड डी है। टोटल का जो कॉलम है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके टोटल आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी ओनली, डी कॉलम नहीं आएगा। ये बात बस पहले नोट कर लें यहाँ पे, ठीक है, ये बात आपने नोट कर लेनी है। ओपनिंग बैलेंस में कोई टोटलिंग नहीं होगी, सिंपली 2 लाख रुपए का बैलेंस आपने टोटल कॉलम में लिख दिया। अब जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, ट्रांजैक्शंस आइदर ऑफ द फोर कॉलम, मतलब इन फोर कॉलम्स में वो ट्रांजैक्शन को हमने लिखना है, और ए बी और सी यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इस ट्रांजैक्शन के लिए ए और बी में 0 है, सी में 60,000 है, तो टोटल में भी कितना आ जाएगा अगर हम ये करें, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा 60,000। टोटल के कॉलम में डेफिनेटली सी बातें लिखना है, लेकिन ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा, ये क्यों इस तरह से करते हैं ये बात भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी, अभी आप इसको इसी तरह से करें, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। डी कॉलम को आपने टोटल में नहीं लेके जाना। फिर आपके पास आ गई बात सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक रुपीज 1,60,000, इसमें आपने गुड्स बेचे अगेंस्ट चेक, आपको पैसे रिसीव हुए, बिजनेस को पैसे रिसीव हुए, तो ये रिसीट बुक में आ जाएगा 5 जुलाई, पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, सेल्स, राइट। आप कैश के उसमें हो, आप बैंक के बुक में मौजूद हो, बैंक पर्टिकुलर्स में बैंक कभी भी नहीं लिखना। दूसरा आइटम क्या है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पता लगे ना ट्रांजैक्शन क्या थी, तो ट्रांजैक्शन क्या थी, सेल्स थी, और ये कौन सी सेल्स थी। अब ये फिगर आपने कहाँ लिखनी है, 1,60,000 की कैश सेल्स में। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी यहाँ पे तो चेक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो कैश सेल्स लिखते हैं इसका मतलब है कि ये सिर्फ कैश इन हैंड वाली सेल्स है, नहीं, इस कॉलम में जो कैश सेल्स का टर्म इस्तेमाल किया हुआ है इसमें क्या है, कैश एज अ जनरल टर्म है, इसमें कैश एट बैंक भी इस्तेमाल हो सकता है और कैश इन हैंड भी इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे किस फॉर्म में आपको कैश रिसीव हुआ है, चेक के फॉर्म में, तो आपने इसको कैश सेल्स में लिखा और टोटल के कॉलम में ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 1,60,000, क्योंकि रिसीवेबल्स में 0 है और अदर रिसीट्स में भी 0 है, क्लियर है बात। आगे आते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सलीम रुपीज 2,50,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सलीम से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, तो ये हमारे पास कैश बुक में तो आना ही नहीं है, ना रिसीट साइड पे ना पेमेंट साइड पे, है ना, ना ये रिसीट साइड पर आना है ना ये पेमेंट साइड पर आना है, राइट, क्लियर है ये बात मोहसिन और उस्मान। जी उस्मान क्लियर है बच्चे, ठीक है। फिर आपके पास आ गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नसीर, तो हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि ये भी हमारा कैश बुक का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमने सोल्ड गुड्स को सेल किए हैं क्रेडिट पे। हम अगले पे आ जाते हैं, परचेज फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट ऑफ रुपीज 45,000। अब ये क्या आ गई, पेमेंट आ गई, तो आपने इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, कैश पेमेंट बुक में जाएंगे और इधर हमने रिकॉर्ड कर देना है डेट क्या है इस ट्रांजेक्शन की, 13 जुलाई, राइट, 13 जुलाई, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, फर्नीचर, ठीक है, कौन से कॉलम में आएगा। अब टोटल इधर भी क्या सिचुएशन है, इधर भी वही वाला सिनेरियो है कि आपके पास टोटल कॉलम में, अब मैं इसको लेबल कर रही हूँ ABCD ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि ABC हम ऊपर यूज कर चुके हैं, ये ई है, ई है, ये आपका F हो गया, ये आपका F, G और H, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, टोटल के कॉलम में E, F और G ऐड होंगे, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में अगर कोई अमाउंट आएगा तो वो इस टोटल का कॉलम का पार्ट नहीं बनेगा। अब सवाल ये आता है कि आपने परचेज किया है फर्नीचर अगेंस्ट चेक, तो ये कौन से कॉलम में आना चाहिए, टोटल में तो आएगा ही आएगा, क्या ये पेबल से आपको पैसे मिले, नहीं, क्या ये कैश परचेजेस है, याद रखिएगा परचेज का टर्म सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के लिए यूज होता है, तो ये क्या है, अदर पेमेंट्स है, राइट, अदर पेमेंट्स है, 45,000 की आपने यहाँ पे पेमेंट लिख दी,
और ये आपके पास टोटल आ गया यहाँ पे भी, क्योंकि पेबल्स में जीरो था, कैश परचेजेस में जीरो था, तो टोटल कॉलम में भी 45,000 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? फिर आप आगे आए, पेड कमीशन टू द एजेंट ₹10,000, इसमें भी कैश एट बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो 15 जुलाई कमीशन, कितने का कमीशन पे किया? ₹10,000 का। और ये भी आपके पास क्या है? ये अदर पेमेंट है ना, ये आपको पेबल से पैसे मिले, सॉरी ना ये आपने अपने क्रेडिटर्स को पैसे दिए, ना ये कैश परचेजेस हैं, ये अदर पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ हमें पेबल्स, क्रेडिटर्स, कैश परचेजेस या रिसीवेबल्स और कैश सेल्स, सिर्फ हमने इन दोनों के कॉलम्स को स्पेसिफिकली अलग से बनाना है। बाकी सारी रिसीट्स को हम ग्रुप कर देंगे अदर रिसीट्स में, बाकी सारी पेमेंट्स को हम ग्रुप कर देंगे अदर पेमेंट्स में। ठीक है, तो आपको ये दो 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 कॉलम्स है ना, ये तो खास अलग 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 बताने हैं। ये दो ऐसे पेमेंट्स और रिसीट्स हैं कि इसको आपने अलग अलग से स्पेसिफाई करना है, और बाकी सबको आप ग्रुप टुगेदर करें। अब अदर पेमेंट्स के कॉलम में देखें तो एक आपका फर्नीचर के अगेंस्ट पेमेंट है, एक कमीशन के अगेंस्ट पेमेंट है, राइट। अब हम आते हैं आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट, तो ये भी आपका इस डेट पे क्या कहाँ पे चला जाएगा, परचेजेस डे बुक में। अब आगे आते हैं, आगे कह रहा है नसीर पेड हिज अकाउंट इन फुल। नसीर कौन था? नसीर की ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पर आते हैं। यहाँ पे देखें हमको कोई अमाउंट वगैरह नहीं दी हुई कि नसीर ने कितना पे किया, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नसीर की ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पे जाना पड़ेगा। अब जब हम ये पढ़ते हैं तो 12 जुलाई को क्या हुआ था, हमने नसीर को क्रेडिट पे कुछ चीजें सेल की थी, कितने की, 1,80,000 की, और हमने उसको क्या दिया था, उसको बता दिया था कि आप कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हो 3% का इफ यू पे विद इन 10 डेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नसीर 8 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है, और आगे मेंशन भी किया हुआ है कि ही डिडक्ट सेटलमेंट डिस्काउंट। तो इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे कौन सा सिचुएशन इन्वॉल्व होगी, डिस्काउंट अलाउड की, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है। अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पहली चीज तो ये, नसीर हमें पे कर रहा है, यानी कि ये हमारा रिसीट की सिचुएशन होगी। आप कैश रिसीट बुक में आपने जो करना है करेंगे, क्या करेंगे आप, पहले कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 उसने हमें पे करने थे, लेकिन इसके ऊपर इसको मिल गया 3% का डिस्काउंट, यानी कि अभी हमें कितने पे करेगा, 1,80,000 में से आपने 5,400 माइनस कर देना है। तो आपको जो पैसे एक्चुअली रिसीव हुए हैं वो कितने रिसीव हुए हैं, 174,600, इज दैट क्लियर। और ये नसीर हमारा कौन था, नसीर हमारा रिसीवेबल था, नसीर हमारा डेटर था, और ये कौन सी डेट पे क्रिएट हुआ था, 12 जुलाई को। तो 20 जुलाई को जब हमें वो पैसे एक्चुअली रिसीव हो रहे हैं, तो अब ये ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगी, कैश रिसीट बुक में। आपने यहाँ पे 20 जुलाई लिखा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में नसीर का नाम डाल दें जो कि आपका कस्टमर है। अब आप आ जाएं, अब ये 174,600 का, अब इसको मैं लेबल कर रही हूं, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट ये अलाउ किया है 5,400 का, ठीक है। और जो पैसे आपको मिले हैं एक्चुअली वो है 174,600। अब ये कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, ये रिसीवेबल्स के कॉलम में। बच्चे जब क्रेडिट पे हमने सेल किया था उस दिन हमने इसको कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया था, जरा आप नोट करो ना, अलग अलग दिन पे ये काम हो रहा है ना, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। 12 जुलाई की अलग ट्रांजैक्शन है, 20 जुलाई की ट्रांजैक्शन अलग है। 12 जुलाई को जब हमने इसको सेल किया था क्रेडिट पे, तब हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, कहां रिकॉर्ड किया था, सेल्स डे बुक के अंदर। और जब हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल रही है दूसरे दिन, किसी और दिन में 20 जुलाई को, अब ये एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन ट्रीट होगी, अलग अलग ट्रांजैक्शंस है ना दोनों, सेम आइटम से पर्टेन करती हैं, सेम पार्टी से पर्टेन करती हैं, लेकिन ये दोनों काम हो रहे हैं अलग अलग दिनों में, तो ये दो सेपरेट ट्रांजैक्शन ट्रीट होंगी। क्लियर है बच्चे, आपने डे वाइज चलना है, डेट वाइज चलना है, बस भले वो वही काम हो, नसीर का ही सारा काम हम करते रहे, लेकिन हमने उन सारी चीजों को क्या करना है, अलग अलग ही ट्रीट करना है, क्योंकि दिन अलग है।
पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड? पहली ट्रांजैक्शन हुई क्रेडिट पे सेल करना, और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई उसके अगेंस्ट एक्चुअली पैसे रिसीव करना. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. क्लियर है? ठीक है उस्मान, जल्दी से उसको देख लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है. ठीक है, इसमें क्योंकि मोशन सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ही इन्वॉल्व है, ये भी मैं आपको बात समझाती हूँ. इसमें सारे कहा क्या क्या इन्वॉल्व हुए हैं, बैंक अकाउंट, चेक्स, यहाँ पे भी फिर अज्यूम कर रहे हैं कि बैंक ही इन्वॉल्व हो रहा है. फिर आपके पास ये है, इधर भी हम पेमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बैंक ही ले रहे हैं. मैं आपको समझा रही हूँ, हम लोग नॉर्मली आईकैप के क्वेश्चन में किस तरह से आता है, या तो वो कैश एट बैंक लेके जा रहा होता है, यूज कर रहा होता है, या वो कैश इन हैंड को यूज कर रहा होता है. अगर आप मुझे बात बताओ, अगर आप आपके पास एक ही क्वेश्चन में कैश एट बैंक भी हो और कैश इन हैंड भी हो, यानी कि दो एसेट्स अलग अलग मेंटेन हो रहे हो, कैश एट बैंक भी मेंटेन हो रहा हो, कैश इन हैंड भी मेंटेन कर रहा हो, है ना, हो रहा हो, है ना. हम कभी भी इन दोनों को मर्ज नहीं करते जहां पे अलग अलग गिवन हुई है, हम इन दोनों को सेपरेट एसेट्स ट्रीट करते हैं. तो अगर इस तरह हो तो फिर हमें रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश सेल्स, अदर रिसीट्स, ये हमें बैंक का भी बनाना पड़े. फिर हम इधर ही जो है आगे तीन और कॉलम्स डाले, इन हैंड के लिए कैश, कैश इन हैंड के लिए, तो हमारा तो बहुत लंबा सा टेबल बन जाए. तो हमारे लिए आसानी के लिए आईकैप करता क्या है कि वो एक क्वेश्चन में आपको या तो कैश एट बैंक देगा, कैश एट बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, या कैश इन हैंड की होंगी. तो ये जो हमारे पास कैश रिसीट बुक जो पूरी बन रही है और कैश पेमेंट बुक बन रही है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस किसकी है, किसके थ्रू है, चेक के थ्रू है. ठीक है, तो जहां पे नहीं भी लिखा हुआ ना, हम अपनी आसानी के लिए, अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कमीशन टू द एजेंट, ये वही वाली बात है जो मैंने डबल एंट्री सिस्टम कराते हुए, डबल एंट्री बुक कीपिंग कराते हुए मैंने आपको बोली थी कि अगर आपके पास सारा का सारा कैश जो है वो बैंक में ही पड़ा हुआ है, इन हैंड है ही नहीं कोई, तो आप जितनी भी पेमेंट्स करोगे कहीं पे भी अगर कैश लिखा हुआ है तो आप उसको कैश यूज करोगे. आप ये कहोगे ना कि कैश मेरा सारा का सारा कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो उसमें मेरा बैंक एसेट ही इस्तेमाल हो रहा है. क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने हमें कैश इन हैंड का, देखिए ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं दिया हुआ, कैश इन हैंड का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, और ना ही इन्होंने हमें कोई ये बताया कि जी हमने बैंक अकाउंट से कैश इन हैंड में कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है. तो हम क्या कहेंगे, सारा का सारा कैश पड़ा हुआ है बैंक में. और अगर कोई पेमेंट भी करनी है, अगर दिया होता ना, तो उसमें फिर मैं आपको आगे जाके टू कॉलमनर कैश बुक भी पढ़ाऊंगी, उसमें फिर इतने ढेर सारे कॉलम्स हम नहीं बना सकते, राइट. उसमें फिर हम लोग दो कॉलम्स, मैक्सिमम तीन कॉलम्स ही बनाएंगे, एक कैश का कॉलम होगा, बैंक का कॉलम होगा, और तीसरा डिस्काउंट अलाउड होगा, और नीचे भी यही होगा कैश बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड. तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर उसमें हमारी अब लिमिटेशन आ गई ना, अब हमारे पास इतना बड़ा रजिस्टर तो नहीं है कि हम बस कॉलम्स ही बनाते रहे. तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैश के कॉलम में सारी कैश ट्रांजेक्शन, कैश इन हैंड, बैंक के कॉलम में सारी कैश एट बैंक, उसमें भी फिर हम सेपरेट आउट नहीं करेंगे कि ये रिसीवेबल से है, ये कैश सेल्स है, ये अदर रिसीट्स है. फिर हम उसको अपनी जिंदगी को थोड़ा और आसान बना देंगे, वो हम कर लेंगे बाद में. ठीक है, वो मैं उसका फॉर्मेट आपको बता दूंगी. मल्टीपल कैश बुक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट टर्म, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसको मल्टीपल कैश बुक कहते हैं, कैसे हो सकता है इसका नाम यही हो. चले जी इधर आ जाए. अब नसीर से आपको पैसे एक्चुअली कितने रिसीव हुए हैं, 174,600, राइट. आपने ये 174,600 कहाँ लिख देना है, रिसीवेबल्स के कॉलम में, जो पैसे एक्चुअली आपको रिसीव हुए. तो अब 5,400 का जो डिस्काउंट आपको मिला है, सॉरी आपने जो अलाउ किया है वो आपने इधर लिख देना है 5,400. तो 174,600 यहाँ पे, 5,400 यहाँ पे, लेकिन एक अजीब सी बात क्या है कि टोटल के कॉलम में आपने सिर्फ ए बी और सी का ही टोटल लेना है, डी का टोटल नहीं लेना. क्या करेंगे, 174,600 प्लस जीरो प्लस जीरो, आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा, आंसर यहाँ पे भी आपका 174,600 ही आएगा. आप ये बिल्कुल भी मत कहें कि ओ 1,80,000 का अमाउंट था, टोटल के कॉलम में 1,80,000 आना चाहिए, 174,600 प्लस 5,400, नहीं. डिस्काउंट अलाउड को आपने टोटल के कॉलम में नहीं लेना, ये बात मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगी. ठीक है, चले.
बाद में करेंगे इसको, ठीक है? जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अब आपके पास क्या हुआ, 20 जुलाई पे आपने डिस्काउंट अलाउड को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, और जो एक्चुअली आपको पैसे भी मिले थे किससे, रिसीवेबल से, वो भी आपने लिख दिया यहाँ पे। 25 जुलाई को अब आप पे कर रहे हो। इमरान कौन था? इमरान से आपने चीजें खरीदी थी क्रेडिट पे, कौन सी डेट पे? 17 जुलाई को। सब्जेक्ट हुआ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी कि कैश डिस्काउंट इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है, वो तो आसान था, राइट? अब यहाँ पे लिखा हुआ है 25 जुलाई को वी पेड इमरान अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्ट अकाउंटिंग फॉर द कैश डिस्काउंट, यानी कि अब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, राइट? आपने ओरिजिनल अमाउंट कितनी पे करनी थी, 30,000, लेकिन उस पे 4% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1200 का, राइट? 1200 ही बन रहे हैं ना। तो अब आपको पेमेंट कितने की करनी है, 30,000 माइनस 1200, यानी कि 28,800, और ये कौन सी साइड पे आएगा, पेमेंट साइड पे आएगा। 30,000 आपका ओरिजिनल अमाउंट था, इस पे आपने 4% डिस्काउंट किया, जिसकी वजह से आंसर आया कितना, 1200 रुपए। तो अब आपको पेमेंट कितनी करनी है, 30,000 माइनस 1200, 28,800 की आपने अब पेमेंट करनी है। अब आप आ जाए इधर, ये ट्रांजैक्शन 25 जुलाई को हुई, आपने इमरान को, अब आप आ जाएंगे, इमरान कौन था आपका? ऐसा ये एक ऐसी एंटिटी थी जिससे आपने ओरिजिनली क्रेडिट पे खरीदा था, तो ये आपका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर की कॉलम में आपने जो इमरान को एक्चुअली पे किया है 28,800, वो फिगर लिख दी, और जो आपको डिस्काउंट मिला 1200 का, ये आपने यहाँ लिख दिया, राइट? वैसे यहाँ पे मैंने टोटल लिखना रह गया, लेकिन यहाँ पे भी टोटल कॉलम में सिर्फ कितना आएगा, 28,800। ई एफ और जी का ये टोटल आपने लिखना है, टोटल का कॉलम जरा ख्याल से करें, ठीक है? तो आपने 28,800 ही इसको लिख दिया। नहीं, बच्चे जनरल जर्नल में नहीं जा रही ना, आइदर ऑफ द 6 डे बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी है। तो ये वाली ट्रांजेक्शन जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बस अब सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, जनरल जर्नल में होंगी नहीं। जनरल जर्नल में तो हम वो सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि पहली 5 डे बुक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करती। अब आपने एक ट्रांजेक्शन के लिए किसी एक डे बुक को ही उठाना है, एक फिगर के लिए, एक अमाउंट के लिए आपने किसी एक डे बुक को ही उठाना है, या तो वो कैश डे बुक होगी, परचेजेस डे बुक होगी, रिटर्न्स की डे बुक्स होंगी, या सेल्स डे बुक होगी। और अगर इन 5 डे बुक्स में से कोई और कोई डे बुक इसके लिए नहीं थी अप्रोप्रिएट, तो फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना है जनरल जर्नल में। अब हम बड़े वाले सिस्टम में आ गए। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब अकाउंटिंग आपकी सिंपलर होती है, जब बिजनेस आपके छोटे होते हैं, तो उसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस को जनरल जर्नल में ही रिकॉर्ड कर दो, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपका बिजनेस अब कॉम्प्लेक्स हो गया, अब सिस्टम आपका बड़ा बन गया, तो अब आपने हर ट्रांजैक्शन के लिए एक डिफरेंट बुक मतलब सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है? तो आपने ये सारी ट्रांजैक्शन, सिर्फ ये भी डे बुक है ना, जनरल जर्नल भी डे बुक है, दो दो दफा रिकॉर्डिंग क्यों करें, एक दफा यहां पे कर दी बस, ठीक है? फिर अगली बारी होगी पोस्टिंग की, ठीक है? चलें जी, अब आपके पास आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमीन अगेंस्ट द चेक पेमेंट ऑफ 10,000 रुपए। ये बताएं क्या होगा मोहसिन? जल्दी से करें, फिर बाकी हम कल का कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। परचेज गुड्स फ्रॉम अमीन अगेंस्ट अ चेक पेमेंट ऑफ 10,000, जल्दी से बताएं मोहसिन क्या होगा इसका? परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट नहीं, ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे करेंगे, करेंगे ये बताएं ना, यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो तो आपने मुझे डबल एंट्री बता दी, वो तो कैश कैश पेमेंट में, कैश पेमेंट कैश में। पेमेंट में चले ठीक है, मुझे बताते रहे, यहाँ पे तो मैंने डेट डाल दी, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? परचेज, नहीं, पर्टिकुलर्स में आप अमीन का नाम लिख दें, हाँ अमीन अमीन परचेज परचेज, हाँ अमीन लिख अमीन। सकते हैं, खैर परचेज भी लिख सकते हैं। आगे कौन से कॉलम में लिखूं उसको, इन तीनों कॉलम्स में से, चारों कॉलम्स में से? ये है आपके पास 10,000 की है, पेबल पेबल नहीं,
कैश परचेजेस। आपने देखे नाम लिखे हमने होंगे, मतलब ये नहीं है कि आपने क्रेडिट पे खरीदा, वो आपका पेबल थोड़ी बना। मैंने क्या कर दी, मैंने परचेज किया 26 जुलाई को अमीन से, सामने वाली पार्टी से, और मैंने उसको फौरन से क्या पेमेंट कर दी, कैश की पेमेंट कर दी ना, चेक की पेमेंट कर दी मैंने उसको। तो ये मेरा पेबल थोड़ी बना, अमीन मेरा पेबल थोड़ी है। क्लियर है बात? ये आपकी कैश परचेजेस हैं। कैश परचेजेस में जरूरी नहीं है कि अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हो उसमें आपको पार्टी का नाम भी लिखा हुआ है तो हमेशा आपका पेबल होगा। टेबल में कब आता है मैम? पेबल में तब आएगा अगर ऐसी कोई पार्टी है। देखें यहाँ पे जरा गौर से देखें, आपने क्या किया था, अमीन से आपने गुड्स खरीदे और साथ ही उसको पेमेंट कर दी। पेबल कैस कब आएगा, जब किसी दिन आपने क्रेडिट पे किसी पार्टी से खरीदा और बाद में आप उसको पेमेंट करें, जिस तरह यहाँ पे था, परचेज गुड्स फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट। कौन सी डेट पे, 17 जुलाई को आपने इमरान से परचेज किए थे क्रेडिट पे, और आप 25 जुलाई को जब इमरान को पे करोगे ना, तब आप ये कहोगे कि अब मैं किसी अपने पेबल को, अपने किसी क्रेडिटर को पे कर रहा हूं। स्टेप पे आपने 25 जुलाई को गुड्स नहीं खरीदे थे, है ना? गुड्स आप कब खरीदे थे, गुड्स तो आपने 17th को खरीदे थे इमरान से। 25 को आप इमरान को आप पेमेंट कर रहे हो, और इमरान अब इस सिनेरियो में कौन है, आपका पेबल या क्रेडिटर है, क्योंकि आपने उससे किसी पॉइंट पहले, किसी दिन आपने उससे क्रेडिट पे खरीदारी कर ली थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 26 जुलाई को आपने अमीन से परचेज किए और 26 जुलाई को ही आपने उसको पेमेंट भी कर दी फॉरन से, तो अमीन आपका पेबल थोड़ी है। आप अमीन का नाम लिखोगे अपनी बुक्स में कि मुझे अमीन को इतने पैसे देने हैं? नहीं। लेकिन 17 जुलाई को आप अपनी बुक्स में क्या लिखोगे, मुझे इमरान को पैसे देने हैं, और 25 जुलाई को आप क्या कहोगे, मैंने इमरान को पैसे दे दिए। तो इमरान कौन है इस सिनेरियो में, आपका पेबल है, क्रेडिटर है। बात समझ आ रही है? पेबल क्रेडिटर क्या होता है, पेबल या क्रेडिटर उस सेंस में इस्तेमाल होता है अगर किसी दिन पहले आपने किसी पहले इस दिन से पहले किसी दिन किसी टाइम पे आपने उस इंसान से, उस बिजनेस से क्रेडिट पे खरीदारी की हो। इसी तरह रिसीवेबल या डेटर कौन होता है, कि आज के दिन से पहले दिन, जिस दिन हमें पैसे मिल रहे हैं उससे पहले अगर मैंने किसी एंटिटी को, किसी इंसान को क्रेडिट पे सेल किया हो, राइट? जिस तरह यहाँ पे क्या है, 12 जुलाई को हमने नसीर को क्रेडिट पे सेल किया था, तो हमने अपनी बुक्स में 12 जुलाई को ये लिखना है कि मैंने नसीर से पैसे लेने हैं अभी भी, और वो नसीर क्या बन जाएगा, हमारा रिसीवेबल बन जाएगा, राइट? हम डबल एंट्री क्या पास करेंगे, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो नसीर हमारा बन गया रिसीवेबल। और जब हमें 20 जुलाई को नसीर से पैसे मिल जाएंगे, हम ये कहेंगे कि अब रिसीवेबल से हमें पैसे मिले, तो हम रिसीवेबल्स के कॉलम में लिखेंगे ना रिसीट। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे अमीन आपका पेबल नहीं है, अमीन को आपने अमीन से चीजें खरीदी और फौरन से उसको पेमेंट भी कर दी, इस वजह से आप उसको कैश परचेजेस के कॉलम में लिखोगे और यहाँ आप लिख दोगे 10,000 रुपए। क्लियर है बात मोहसिन? ठीक है, यहां तक ही रखते हैं आज। फिर इंशाल्लाह कल हम यहीं से इसको पिक करेंगे, मैं आपको इसको इंशाल्लाह समझाऊंगी प्रॉपरली, टोटल्स करके हम पोस्टिंग देखेंगे, ठीक है? तो इधर तक आप अपना थोड़ा पक्का कर लो, रिवाइज कर लो, फिर इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। ठीक है? अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेरी है जल्दी से पूछ लो, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है। जी, कोई क्वेश्चन है मोहसिन? चलें, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों का डबल एंट्री बुक कीपिंग का भी टेस्ट है, सही है? तो मैं लास्ट वीक बताना भूल गई, अनाउंस करना भूल गई, तो लेट्स कीप इट ऑन वेडनेसडे। मैं अपलोड कर देती हूँ, अगर आपकी तैयारी है पक्की तो आप उसको अटेम्प्ट कर ले, लेकिन वेडनेसडे तक आपके पास टाइम है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, सही है? या तो मैं काम करती हूँ, मैं वेडनेसडे को ही अपलोड कर देती हूँ। आपके पास 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, तैयारी करें, वेडनेसडे को इंशाल्लाह फिर आपका टेस्ट होगा, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का। चलें, सही है।